अंतरराष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मीटिंग है। माध्यम से इस बात को मैं सबको बताना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन है, जरूर बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रधानमंत्री आवास के लिए लिमिटेशन है, 2011 और 2016 की सूची होती है, उन्हीं लोगों को आप प्रधानमंत्री आवास मिलता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अभियान में भी वही है, जिनके आवास की सूची में नाम है हम उनसे ही फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड है। जितने लोगों के पास पट्टा है आवास का या अपना निजी उनका भूमि है और उनको पात्र पाती है नगर पालिका, तो नगर पालिका नगर निगम जिनके प्रस्ताव करके भेजे, जितने लोगों के उतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। मोदी जी के ये अभिनव योजना है, उसके बावजूद यहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाता। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि 70% लोगों की सूची अब तक यहाँ पेंडिंग है, उसको राज्य सरकार स्वीकृत नहीं करती है। कवर्धा नगर पालिका ही नहीं, अन्य सारे नगर निगमों में यही हाल है। जितने लोगों का प्रस्ताव नगरीय निकायों ने करके सरकार को डीपीआर के रूप में भेजा है, हर साल भेजती है, उनमें से 30% लोगों के ही आवास स्वीकृत की है सरकार ने, बाकी किसी का आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। जब ये अनलिमिटेड है तो सरकार रोकती क्यों है, ये समझ में नहीं आती है बात। वर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पूरे वार्डों में जो आज अनियमितता है, 3-4 बिंदुओं को लेकर के हमारे शहर मंडल कवर्धा के द्वारा कवर्धा के हितग्राहियों के मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज विधायक कार्यालय के घेराव के हल्ला बोल की कार्यक्रम आज किया गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए विधायक कार्यालय सभी हमारे कवर्धा के जितने भी शोषित वंचित कार्यकर्ता, मोर आवास मोर अधिकार, स्वच्छता के दृष्टिकोण को, नालियों की सफाई, पानी की व्यवस्था, इन सब मांगों को लेकर के कवर्धा शहर मंडल के नेतृत्व में उनके तत्वाधान में आज विधायक कार्यालय की घेराव किया गया है। और मोर आवास मोर अधिकार का कार्यक्रम सभी प्रदेश में सभी स्टेटों में चल रही है, लेकिन कवर्धा कबीरधाम जिला में भेदभावपूर्ण ढंग से आवास योजना को दिया जाता है, उसी का विरोध करने के लिए आज जो जितने हमारे मातृशक्ति और बहनें आई हुई हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, विधायक कार्यालय के घेराव करने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक के इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के लगातार इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करते रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।